बोलिए शंभु नारायण भगवान की जय। वृश्चिक धनु और मकर राशि वालों के लिए 18 और 19 मई का समय कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए वृश्चिक राशि वाले पांचवें भाव में चंद्र है और धनु के लिए छठे भाव में और मकर के लिए सप्तम भाव में चंद्र है। इन सभी का क्या क्या परिणाम आप सभी को देखने को मिलेगा आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर में चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि पर में। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो चंद्रदेव हैं वो पंचम भाव में विराजमान हैं और पाँचवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से आपको विद्या, बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में अच्छी सफलता, बढ़िया सफलता मिलने का योग बन रहा है। आप सज्जन, विनम्र, मधुरभाषी, धर्मात्मा और अपने बुद्धि बल से भाग्य की उन्नति करने वाले व्यक्ति हैं और इस समय में भी आप कुछ ऐसा ही करेंगे। सातवीं मित्र दृष्टि से एकादश भाव को देखने के कारण भाग्य की वृद्धि होगी तथा लाभ भी आपको खूब मिलेगा। इस समय में आपके लिए उपाय ये है कि आप क्या करें कि ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जो है 18 और 19 दोनों दिन एक एक माला जाप करें। मित्रों, वृश्चिक के बाद जो अब बात आती है वो बात आती है धनुराशि की। धनुराशि के लिए जो चंद्र है वो छठे भाव में विराजमान है। छठा भाव जो होता है मित्रों वो होता है रोग का, शत्रु का, दुख का, कष्ट का, और इस भाव में चंद्रमा के विराजमान होने के कारण आपको क्या फल प्राप्त होगा आपको बताता हूँ। छठे भाव में शुक्र की राशि पर स्थित उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से आपको शत्रु पक्ष पर अपना प्रभाव बनाने में सफलता प्राप्त होगी। आयु तथा पुरातत्व का लाभ भी होगा। सातवीं नीच दृष्टि से द्वादश भाव को देखने के कारण जो है सो खर्च में भी परेशानी आएगी तथा बाहरी स्थानों से संबंध भी आपके अच्छे सिद्ध नहीं होंगे इस समय में, और इस समय में शत्रु पक्ष के कारण कुछ मानसिक परेशानी भी जो है आपको 18 और 19 तारीख को बनी रहेगी। इसमें आपके लिए उपाय ये है कि शत्रु नाश के लिए जो है सो आप माता बगलामुखी का ध्यान करके उनके मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। मित्रों, धनु के बाद जो अब मैं बात करूंगा वो मकर की बात करूंगा, और मकर राशि वालों के लिए जो चंद्रमा है वो सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव जो होता है मित्रों वो होता है जया भाव कहा जाता है उसको, अर्थात पति पत्नी का घर होता है, वो दाम्पत्य जीवन का घर होता है। शेयर यानी कि शेयर का मतलब हुआ कि जहाँ पर में भी साझेदारी का भाव है उसका घर होता है। इसका क्या क्या परिणाम होगा आइए आपको बताता हूँ। सातवें भाव में स्वराशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से आपको सुंदर स्त्री तथा उसके द्वारा यथेष्ट सुख की प्राप्ति होगी। व्यवसाय में भी पूर्ण सफलता आपको मिलेगी। घरेलू जीवन आनंदमय बना रहेगा आपके लिए। सातवीं शत्रु दृष्टि से प्रथम भाव को देखने के कारण शारीरिक प्रभाव में कुछ असंतोषपूर्ण वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। यश तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी कुछ आपको असंतोष देखने को मिलेगा, यानी कि इस मामले में जो है ये समय अच्छा नहीं है। अब बात आती है क्या उपाय किया जाए इसके लिए। आपके लिए जो बता दूं मैं कि सप्तम भाव जो होता है जया का होता है, पत्नी का भाव होता है, दाम्पत्य जीवन का घर होता है, तो इसके लिए आप ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का जो है सो जाप आप कर सकते हैं। आपके लिए जो है ये बढ़िया रहेगा, उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा और इस भाव को आपको ये सुखी बनाएगा। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत संक्षिप्त में गागर में सागर भर दिया मैंने, बहुत संक्षिप्त में आपको बहुत सारी जानकारी दे दी। इस पर आप जितना सोच करके, जितना गहन चिंतन करके आप निकाल सकते हो बातें उतनी आप निकाल लो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल साबित अवश्य हुआ होगा। अगर वाकई कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।